जॉब छूट गया था मेरा, मेरा दोनों कॉलर बोन टूटा हुआ था, लंग्स डैमेज थे, पीछे बेड शोर, ना हिल पा रहा था ना कुछ हो पा रहा था, थोड़ा डिप्रेस भी हो गया था, अकेले में रोता भी था। फिर मुझे यहाँ के बारे में पता चला और मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब मुझे जीना यहाँ पे सिखाया गया एक तरह से। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर भारत में सबसे उन्नत स्पाइन ऑर्थोपेडिक न्यूरोमस्कुलर ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जिकल सेंटर है। ये सेंटर रीढ़ की हड्डी की चोट और संबंधित बीमारियों वाले मरीज को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है। अपने बुनियादी अनुसंधान को मजबूत बनाने के लिए सेंटर प्रयासरत है। ISIC एक प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षण अस्पताल भी है। यहाँ ग्रेजुएट से लेकर मास्टर्स तक के कोर्सेज प्रदान किए जाते हैं, साथ ही इंटर्नशिप करने का अवसर भी मिलता है। सिप्डा के तहत दिव्यांग जनों के विभिन्न गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनमें से एक है ISIC की सहायता योजना। योजना के अनुसार भारत सरकार गरीब मरीजों के लिए प्रतिदिन 25 मुफ्त बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए ISIC का सहयोग करती है। ISIC भी अपनी ओर से स्पाइनल इंजरी वाले गरीब मरीजों को 5 निशुल्क बिस्तर उपलब्ध कराता है। मरीजों के वास्तविक भर्ती के आधार पर 25 बिस्तरों के लिए प्रतिदिन ₹7,000 भारत सरकार द्वारा सहायता के रूप में दिए जाते हैं। जब हमने इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो पता चला कि स्पाइन होता क्या है, तो इन्होंने हमको बहुत सारा सपोर्ट किया, के लिए व्हील चेयर दिए, एक्सरसाइज इन्होंने करवाई और हमको जीना सिखाया। जब तक मैं तंदुरुस्त नहीं हो सकता या फ्री में इलाज होता है। सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले योग्य डॉक्टर्स और चिकित्सकों की बड़ी टीम है। यहाँ अत्याधुनिक पुनर्वास सेवाएं दी जाती हैं। पुनर्वास सेवाओं में फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑर्थोटिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स शामिल हैं। भारत सरकार देश में अत्याधुनिक एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। इसमें विशेषकर दिव्यांग जनों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। ISIC को दी जा रही वित्तीय सहायता इस ओर उठाया गया एक अभिनव कदम है। भारत सरकार के समावेशी समाज बनाने की दिशा में ये एक महत्वाकांक्षी पहल है।